आज हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा बनाने के लिए सीखेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए, इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 6 का एलसीएम लेंगे। देखिए, इसका 6, इसका 3, फिर लगा देंगे 3 से, तो 3 दुना 6, 3 एकम 3। अब इसको एलसीएम, देखिए 3 दुना 6, 6 दुना 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी 2 गुना 3 गुना 2, इसका कितना आ जाएगा? 12। ये जो आया, इसको हम सर्वप्रथम यहाँ हम लिख लेते हैं, 12 लिख लिया। अब देखिए, इस 12 को इस 12 में भाग देंगे। देखिए, 12 को 12 से भाग देंगे तो एक बार में आ जाएगा। देखिए, ये कट गया, एक आ जाएगा। एक आया तो ऊपर का अंक जो है 6 है, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना? ये हमको आ गया 6, तो हम इस जगह पर हम 6 लिख देंगे, और प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद देखिए, फिर ये 6 है, 6 को इसमें 12 में भाग देंगे। देखिए, 12 हो गया और ये 6 है, तो 6 लिख दिया। अब इसको भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 2 बार, 6 दुना 12, ये कट गया। अब जो ऊपर वाले जो अंश है, उसको उससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा? 6 दुना 12, कितना आ जाएगा? ये 12। 12 को हम इस जगह पर हम लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, इस दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 बट्टा 12। अगर आपको काटने का मन है तो काट दीजिएगा, नहीं तो इसी जगह आप आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भिन्न का घटा, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। देखिए, 9 और 27 को एलसीएम लेंगे, और 9 और 27 को एलसीएम लेंगे। देख लीजिए, 9 और 27 का एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखिए, 2 से लगाएंगे तो लगेगा नहीं, लगाएंगे कितना से? 3 से। 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, फिर लगा देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब को एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तो हमको एलसीएम कितना आ जाएगा? 27। यहाँ पर लिख देंगे 27, और ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, इस 9 को 27 में भाग देते हैं। देखिए, 9 हो गया और 27 को भाग देंगे। देखिए, भाग देंगे तो कितना बजेगा, कितना बार में लगेगा? 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 9 तिया 27, कितना बार में आया? 3 बार में। यहाँ पर 27 ये कट गया। देखिए, ये 3 है तो ऊपर वाले जो संख्या रहेगा उससे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 72। अब गुना कर कर लिखेंगे। देखिए, गुना करेंगे तो 3 दुना 6, यानी 7 तिया 21, आ जाएगा कितना हमको? 216। यहाँ पर लिख देंगे 216, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए, इस 27 को इस 27 में भाग देंगे तो एक बार में आता है, और एक से ऊपर का में गुना करेंगे। देखिए, 72 है तो 72 में एक से गुना करेंगे तो उतना ही संख्या आ जाएगा, 72, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए, 200 कितना है? 216, और 72 को घटा देंगे तो 216 और 72 को घटा देंगे। देखिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4, एक पचा देंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना यहाँ पर? 1 पचा देंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ बचा गया कितना? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4, और 1 यहाँ पर बचा, इसको यहाँ पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 144। यहाँ पर लिख देंगे 144 बट्टा 27। यही आपका आंसर रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।